Hello dear students, welcome back to our inter biology classes. Today we are going to talk about codominance. Codominance. Let's first define what is codominance. Codominance is pattern of non-Mendelian inheritance in which both alleles are equally expressed in the phenotype of an organism. Dear students, definition में लिखा गया है कि ये जो कोडोमिनेंस का इनहेरिटेंस है ये नॉन मेंडलियन ट्रेट है, ये नॉन मेंडलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, क्योंकि मेंडलियन ट्रेट ऐसे ट्रेट को कहा जाता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को जब एक पेयर ऑफ अलील कंट्रोल करता है तो उसमें से एक डोमिनेंट होता है दूसरे पे, मगर इसमें कोडोमिनेंस में बोथ अलील्स आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों के दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं और दोनों खुद को ऑफस्प्रिंग में इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये मेंडलियन ट्रेट नहीं है, नॉन मेंडलियन ट्रेट है। एग्जाम्पल, in cows the red and white coloration, in cows the red and white coloration alleles are codominant. A cow that has both alleles will be roan spotted with red and white patches. Dear students, एक example दिया गया है codominance में कि जब एक रेड बुल को वाइट काऊ के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो उससे जो F1 आता है, जो F1 काऊ प्रोड्यूस होती है वो रोन काऊ होती है। रोन ऐसी काऊ को कहा जाता है जिसके स्किन पे वाइट पैचेस अलग नजर आएंगे और रेड पैचेस अलग नजर आएंगे। इट मींस बोथ द पेरेंट्स विल इक्वली शो देयर कैरेक्टर इन द ऑफस्प्रिंग। नाउ सी, a red bull is crossed with a white cow. Red bull को cross करवाया गया white cow से. Now red bull capital R1 is its genotype, and remember capital R1 is a dominant allele for red skin. Now red bull is crossed with white cow. This red bull is crossed with white cow. And what is the genotype of white cow? Capital R2, capital R2. Here capital R2 is also a dominant allele for white skin. दोनों parents के पास dominant allele है. Now see what will be the F1, what will be their offspring. जब red bull को cross करवाया गया white cow से, they produce roan cow. This cow is roan. Capital R1 एक parent से inherit हुआ. कैपिटल R2 अलील दूसरे पेरेंट से इनहेरिट हुआ। नाउ व्हाट इज रोन काउ? अ रोन काउ इज स्पॉटेड विथ रेड एंड व्हाइट पैचेस। आप देखिए इस ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स अपना कैरेक्टर इक्वली शेयर कर रहे हैं, दोनों पेरेंट्स अपना कैरेक्टर इक्वली शो कर रहे हैं। इसमें व्हाइट पैचेस भी नजर आ रहे हैं, इसमें रेड पैचेस भी नजर आ रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अब हम इस जेनेटिक क्लास की नेमिंग पढ़ेंगे। नाउ नेमिंग द Generation in codominance. Naming the generations in codominance. P generation means parental generation. Phenotype means outer appearance. Now see, the one parent is red bull crossed with white cow. Now what are the genotypes of red bull and white cow? As you know, genotype is always diploid. 2 instants per diploid. Red bull cow genotype capital R1, capital R1. And what is the genotype of white cow? Capital R2, capital R2. Now remember the key. Capital R1 for red skin, dominant allele. Capital R2 is also dominant allele for white skin. Now note both the alleles are represented by capital letter. It means both the parents are हैविंग डोमिनेंट अलील, कैपिटल R1 भी डोमिनेंट अलील है और कैपिटल R2 भी डोमिनेंट अलील है। अब हम गैमेट्स ड्रॉ करेंगे मियोसिस के जरिए। एज यू नो मियोसिस रिड्यूसेस डिप्लॉय नंबर इनटू हैप्लॉयड नंबर, मियोसिस रिड्यूसेस डिप्लॉय नंबर इनटू हैप्लॉयड नंबर। रेड बुल इज अ मेल, so it produces two male gametes, sperms by spermatogenesis, and white cow is a female and she produces eggs by oogenesis. मेल के बॉडी में स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, फीमेल के बॉडी में एग्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहां पे देखिए कैपिटल R1 goes to one sperm and कैपिटल R1 goes to another sperm, कैपिटल R1 goes to one sperm, कैपिटल R1 goes to another sperm। अब यहां पे देखिए कैपिटल R2 इसको भी अलग कर देते हैं एग्स में। कैपिटल R2 goes to one egg, कैपिटल R2 goes to another egg। अब अलील सेग्रीगेट हो चुके हैं स्पर्म्स में और एग्स में। द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। अब हम F1 ड्रॉ करेंगे। पहले हम इस स्पर्म को इस एग से कंबाइन करेंगे, फर्टिलाइजेशन। कैपिटल R1 स्पर्म फ्यूजेस विद कैपिटल R2 एग। व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स इन जाइगोट? कैपिटल R1 कैपिटल R2, एंड दिस ऑफस्प्रिंग इज रोन हैविंग पैचेस ऑफ बोथ व्हाइट एंड रेड कलर। रोन ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स खुद को इक्वली शो कर रहे हैं, कोडोमिनेंस। अब देखें हम इस दूसरे स्पर्म को इस दूसरे एग से कंबाइन करेंगे और यो यहां पे ये जो जाइगोट की कॉम्बिनेशन है, दिस इज कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2, दिस इज अगेन रोन हैविंग पैचेस ऑफ बोथ व्हाइट एंड रेड। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि F1 में रोन ऑब्टेन हो रहे हैं और दोनों पेरेंट्स रोन काउ में या वो रोन बुल है, दोनों में खुद को इक्वली शो कर रहे हैं, अब हम मूव करेंगे F2 जनरेशन पे, इसका F2 कैलकुलेट करेंगे। F1 सेल्फ क्रॉस पनेट स्क्वायर टू इलस्ट्रेट F2 जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो ऑफ द कोडोमिनेंस। अब हम F2 का जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कैलकुलेट करेंगे स्पनेट स्क्वायर में। टॉप पे हमने मेल जीनोटाइप को प्लेस किया, कैपिटल R1 कैपिटल R2, और लेफ्ट साइड पे हमने फीमेल जीनोटाइप को प्लेस किया, अगेन कैपिटल R1 कैपिटल R2। दिस इज जीनोटाइप फॉर रोन बुल एंड दिस इज जीनोटाइप फॉर रोन काउ। अब यहां पे फोकस कीजिए, अब हम इन लेटर्स को स्प्लिट करेंगे गैमेट्स में। सो कैपिटल R1 goes to one gamete and कैपिटल R2 goes to another gamete, और यहां पे भी हम स्प्लिट करेंगे। कैपिटल R1 goes to one female gamete and कैपिटल R2 goes to another female gamete। अब हमने टॉप पे मेल गैमीट्स ड्रॉ किए हैं, यहां पे हमने फीमेल गैमीट्स ड्रॉ किए हैं। अब हम क्रॉस को यहां पे सॉल्व करेंगे, एक लेटर टॉप से लेंगे, दूसरा लेफ्ट से। मगर पहले आपको जीनोटाइप याद रखनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल R1 फॉर रेड, कैपिटल R2 एंड कैपिटल R2 फॉर व्हाइट, एंड कैपिटल R1 एंड कैपिटल R2 फॉर रोन। अब आप यहां फोकस कीजिए, हमने टॉप से लिया कैपिटल R1, लेफ्ट से लिया कैपिटल R1, एंड द कलर ऑफ स्किन इज रेड, फिनोटाइप इज रेड। अब यहां पे फोकस कीजिए, हमने टॉप से लिया कैपिटल R2, हमने लेफ्ट से लिया कैपिटल R1। व्हाट विल बी द फिनोटाइप? रोन हैविंग पैचेस ऑफ बोथ व्हाइट एंड रेड। अब यहां पे फोकस कीजिए, हमने टॉप से लिया कैपिटल R1, हमने लेफ्ट से लिया कैपिटल R2, तो इसका फिनोटाइप होगा अगेन रोन। अब यहां पे फोकस कीजिए, हमने टॉप से लिया कैपिटल R2, हमने फिर लेफ्ट से भी लिया कैपिटल R2 वाइट. So one red, two roan, one white. Now look at the phenotype ratio. One red, two roan and one white. Red one 25%, roan two 50% and white one 25%. अब यहाँ पे focus कीजिएगा genotype ratio. Again 1 to 1. One is the red, capital CR genotype का ratio हम calculate कर रहे हैं. जीनोटाइप का रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. कैपिटल सी आर इज डोमिनेंट होमोजाइगस. अब ये जो दो हैं वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस हैं रोन. कैपिटल सी आर कैपिटल सी डब्ल्यू 50% डोमिनेंट हेटेरोजाइगस. और सबसे लास्ट में हमें एक डोमिनेंट जीनोटाइप नजर आ रहा है कैपिटल सी डब्ल्यू एंड दिस इज डोमिनेंट होमोजाइगस फॉर वाइट. सो सी हियर The genotypic ratio is 1 to 1. तो जैसा कि हमने incomplete dominance में भी पढ़ा था in F2 generation, phenotype and genotype ratio were same 1 to 1. This is the similar case in case of codominance. The F2 generation shows phenotypic ratio and genotypic ratio in 1 to 1. That's all about today. Thank you.